मेरे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी सतपाल तंवर जी, जो गुड़गांव से आज यहाँ दिल्ली पार्लियामेंट थाने पे हैं। सतपाल जी, सबसे पहले आपको जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि हमारे को सूत्रों से पता लगा कि कल हमने सोशल मीडिया में बहुत तेजी से खबर चल रही है कि भारतीय संविधान को कुछ मनवादी लोगों ने यहाँ पार्लियामेंट स्थित थाने के सामने जलाया गया, लेकिन यहाँ की पुलिस भी नाकाम रही, यहाँ जो सिक्योरिटी है वो भी नाकाम रही। लेकिन जैसे ही आप जैसे समाज सेवी को पता लगा आप उसके खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए यहाँ आए, तो आज उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। कल 9 तारीख को जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे, इस सरकार की नाक के नीचे और दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे संसद मार्ग पर संविधान की प्रतियां फाड़ी गई, संविधान की प्रतियां जलाई गई, संविधान का अपमान किया गया और ये आज पूरे देश के अंदर इसको लेकर के गुस्सा है। चाहे वे किसी भी जाति के लोग हों, चाहे वे किसी भी धर्म के लोग हों, जो इन लोगों ने 15 अगस्त से पहले इस तरह का घृणित कार्य किया है, देशद्रोह का कार्य किया है, इन लोगों ने IT एक्ट में अपराध किया है, इन लोगों ने SC ST एक्ट में अपराध किया है, इन्होंने चमार मुर्दाबाद के नारे लगाए, इन्होंने संविधान मुर्दाबाद के नारे लगाए, इन्होंने SC ST एक्ट मुर्दाबाद के नारे लगाए, इन्होंने मनुस्मृति जिंदाबाद कहा, ये मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। लेकिन आज इसी को लेकर के भीम सेना पहुंची है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। यहाँ हमारी मुलाकात हुई SHO साहब से भी, वेद प्रकाश जी से भी, और हमारी मुलाकात हुई यहाँ पर मधुर वर्मा जी जो DCP है, उन्होंने आश्वासन दिया है पूरी कार्रवाई की जाएगी, ये मामला देशद्रोह का बनता है पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि हम लीगल ओपिनियन लेंगे, लीगल ओपिनियन ले दिल्ली पुलिस या फिर जांच करे दिल्ली पुलिस, वो दिल्ली पुलिस का काम है, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन ये भीमसेना की चेतावनी भी समझ लीजिएगा कि अगर 2 दिन के भीतर FIR दर्ज नहीं हुई तो भीमसेना और समस्त बहुजन समाज राजधानी दिल्ली के अंदर आंदोलन छेड़ देगा। हम संविधान के रक्षक हैं, हमें संविधान की रक्षा करनी है। भाई अनिल तंवर जी जो भीमसेना के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उनके नाम से शिकायत पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दी गई है। अच्छा, DCP का क्या मानना है, क्योंकि जब कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है उनको एक चप्पे चप्पे की पता होता है कि अब यहाँ कौन आ रहा है, उन पर परमिशन ली जाती है, तो इस तरीके से DCP साहब ने क्या कहा? बड़े शर्म की बात है, यहाँ फोर्स मौजूद थी, कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जब संविधान की प्रतियां फाड़ी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, तो वो फोर्स देख करके मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। लेकिन DCP साहब के संज्ञान में ये कोई वाक्य था ही नहीं, SHO साहब के साथ में भी सामने भी ये कोई वाक्य था ही नहीं, उनके संज्ञान में नहीं था। जब हम इनके संज्ञान में लेकर के आए हैं तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही, मैं कहूंगा कि पुलिस की भी हो सकती है, चप्पे चप्पे पर निगरानी होनी चाहिए। वो किसी भी तरीके से कोई भारत के संविधान की प्रतियां यूं फाड़ करके चला जाएगा, जला करके चला जाएगा, ये देश खामोश नहीं बैठ सकता।